हाँ भाई, आ गए सब लोग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू रामरूप शर्मा यूट्यूब चैनल। तो यार, जेई का एग्ज़ाम तो अब ख़त्म ऑलमोस्ट है ना, सेकंड शिफ्ट भी ख़त्म। जितने तीर मारने थे, जितनी पढ़ाई करनी थी, जितने PYQ सॉल्व करने थे, सब कर लिया। अब तो हो गया, ठीक है, अब कोई बात नहीं। अच्छा हुआ, बुरा हुआ, एवरेज हुआ, जाने दो अब, ठीक है ना। अब रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट में जो होगा उस हिसाब से बढ़िया कॉलेज लेंगे। ज़रूरी नहीं है यार कि हर बच्चा ही IIT जाए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, NSUT है, DTU है, आपका DSU हो जाएगा, बहुत सारे अलग अलग हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। तो एडमिशन की चिंता मत करो, उसके लिए आप बस हमसे कॉन्टैक्ट बनाए रखना, वो सारी चीज़ें फ्यूचर की है। अभी यार बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आ रहा है, सर पेपर तो हो गया, अब भाई एक बात बता दे क्या कि यार एक कट ऑफ कितनी जाएगी। 13-14 लाख बच्चे हैं, 15 लाख तो भाई रजिस्ट्रेशन हुआ यार, तो कट ऑफ तो हाई जाएगा, ये तो मैं पहले से पता है। बट कितना जाएगा ये मैं आपको क्लियर कट बताया, कैटेगरी वाइज चीज़ें बताऊंगा। तो बिल्कुल टेंशन फ्री होके, बेझिझक होके वीडियो देखो, बढ़िया आराम से, छोटी वीडियो है, फटाफट से ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। देखो, JEE एडवांस में तुम्हें पता है कि 1,10,000 तो जनरल की मतलब होंगे ही बच्चे जो जनरल वाले बैठे होंगे, बाकी आपके कैटेगरी वाले बच्चे होंगे। तो आप देख लो कितने परसेंटाइल। देखो, अगर मैं 13-14 लाख का मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, ये मैं हवाबाजी में नहीं कि ये बता देता हूँ बच्चों को और पागल बना दिया, प्रॉपर कैलकुलेशन करिए। मैथ्स में पढ़ा है ना परसेंटेज, तो उस हिसाब से पता लगाया है कि कितनी परसेंटाइल, कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी अगर मुझे 13 लाख में से टॉप 1.5 लाख बच्चों में आना है। तो 13 लाख मान लो, 14 लाख मान लो, प्लस माइनस 1-2 परसेंटाइल आगे पीछे होगी, ज़्यादा अंतर नहीं आता है। अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले जनरल वाले बच्चों के लिए, तो 140 मार्क्स अपने मार्क लेके चलो, और ये मान के चलो कि 92 परसेंटाइल आपकी हो सकती है ना। कट ऑफ बता रहा हूँ ये मैं भाई, थोड़ी सी हाई है बट चल हो जाएगा, टेंशन मत लो इतना, ठीक है। EWS की अगर मैं बात करता हूँ तो EWS OBC ज़्यादा अंतर नहीं होता है इनमें, पर मान के चलो हो सकता है 120, 110, 115, 125 तक भी जा सकता है, ये आपकी रेंज रहने वाली है मार्क्स के कट ऑफ की। मैं आपको मार्क्स वाइज भी बता रहा हूँ, परसेंटाइल वाइज भी बता रहा हूँ, तो दोनों बातों के हिसाब से आपको क्लियर हो जाएगा। परसेंटाइल में देखें तो 82-78, मतलब तुम मान के चलो 78 से लेके 82 परसेंटाइल, ये जो 4 परसेंटाइल की रेंज है ना, 78, 79, 80, 81, 82, इसके आसपास ही कट ऑफ रहनी है। तो अगर तुम्हारे इतने बन रहे हैं तो बेहतरीन मौज मारो, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट कॉलेज में मिल ही जाएगा या कोई बढ़िया है कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम SC ST की बात करते हैं तो आपका स्कोर रहेगा बच्चे 75 और 24 मेरे भाई, है ना, और परसेंटाइल रहेगी 56.8 और 40। तो इस हिसाब से मैंने आपको बता दिया, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और हमारी भी गारंटी है कि ये परसेंटाइल आपकी ऑलमोस्ट टू द एक्यूरेट ही रहने वाली है, ठीक है। अच्छा, अभी काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट होगी तो अभी उसकी टेंशन मत लो, बाकी ये जैक जोसा पोसा जितनी भी होती है ना, जितने भी एडमिशन होते हैं, हम पिछले 2-3 साल से यही काम करवा रहे हैं, तो आराम से कनेक्टेड रहना 7982988558 पर, बातचीत करे रखना, कॉन्टैक्ट बनाए रखना, आपका बहुत बढ़िया कॉलेज में बढ़िया स्ट्रीम में हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।